ऊधम सिंह नगर जनपद में पेरोल पर जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर अब ऊधम सिंह नगर पुलिस जेल प्रशासन के साथ मिलकर नजर रखेगा। इसके लिए जनपद के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज देती है और फिर पेरोल से बाहर आकर फिर से आपराधिक घटनाओं को ये अंजाम देने लगते हैं और पुलिस के लिए सिरदर्द फिर से बन जाते हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद में पिछले कुछ माह में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें पेरोल पर बाहर आने के बाद आरोपी वापस जेल नहीं जाते और फरार हो जाते हैं। देखना ये भी आया है कि ऐसे आरोपी बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल नजर आते हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एक गंभीर विषय है। पैरोल जो है एक बहुत जिम्मेदारी के साथ माननीय न्यायालय के आदेशों में माननीय न्यायालय जो है एक ट्रस्ट के साथ देते हैं, परंतु ये कभी कभी ये देखा जाता है पैरोल के बाद जो है जब समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस आना है तो नहीं आते हैं और पैरोल जंप कर देते हैं, पैरोल स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो है ये एक और डेंजरस ट्रेंड आया है कि पैरोल स्किपर्स या पैरोल जंपर्स जो है बहुत ही ब्रूटल अपराधों में, आपने देखा होगा किच्चा में मर्डर कर दिया और जगजीत आतंकवादी गतिविधियों में संगठन में सम्मिलित हो गया।